तो जैसा कि जवान के मेकर्स ने दो दिन पहले अनाउंस किया था कि जवान का प्रीव्यू 10 जुलाई यानी आज रिलीज होगा। सो कुछ देर पहले प्रीव्यू रिलीज हुआ और इसे देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ इंडियन सिनेमा कुछ अलग कर रही है। SRK की पहली फिल्म पठान ब्लॉकबस्टर रही थी एंड प्रीव्यू देखने के बाद मुझे लगता है ये भी उसी रैंक की मूवी होने वाली है। बट पठान में वो एज ए हीरो रोल प्ले कर रहे थे, बट जवान के प्रीव्यू देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास के साहो की तरह वो एक गैंगस्टर का रोल प्ले कर सकते हैं या वो एज ए सीक्रेट एजेंट मूवी में काम कर रहे हैं। तो चलो अब बात करते हैं प्रीव्यू की, उसमें क्या क्या देखने को मिला है। प्रीव्यू की शुरुआत होती है SRK के डायलॉग से, मैं कौन हूँ, और चारों तरफ रेलवे के स्टेशन पे अफरा तफरी मची हुई है, सब भाग रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ कोई बड़ा अटैक हुआ है। और फिर डायलॉग सुनाई देता है SRK की आवाज में, मैं कौन नहीं। फिर उनको ट्रेन से नीचे उतरता हुआ दिखाया जाता है। अगले सीन में उन्हें एक गन के साथ अटैक करते हुए देख सकते हो तुम। और फिर छोटे छोटे क्लिप्स में SRK पुल एक्शन में दिखाए गए हैं और पूरे प्रीव्यू में उनका वही डायलॉग चलता रहता है, मैं पुण्य हूँ या पाप हूँ, मैं भी आप हूँ। नेक्स्ट SRK का मम्मी ड्रेस वाला लुक काफी कूल लग रहा है। इसके बाद एंट्री होती है नयनतारा की, जिनके एंट्री स्टाइल से लग रहा है कि वो कोई ऑफिशियल एजेंट है। फिर हमें विजय सेतुपति को दिखाया गया है कैप्टन की तरफ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए। विजय की एंट्री से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि उनका तो वही फियर वाला लुक हमेशा की तरह। अगले सीन में दीपिका पादुकोण को कुश्ती करते दिखाया गया है और फिर हमें देखने को मिलता है SRK का फुल एक्शन, वो भी बेस्ट कैमरा शॉट के साथ। हाँ, ये दो शॉट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और सबसे लास्ट में SRK रेलवे स्टेशन पे एक बेंच पे बैठे रहते हैं, वहाँ एक डायलॉग है, जब मैं विलन बनता हूँ ना तो मेरे आगे कोई टिक ही नहीं सकता है, और वो मम्मी वाला लुक उतार देते हैं। फिर मैं शॉक हो गया कि प्रीव्यू के थर्ड हाफ तक लग रहा था कि SRK हीरो है, बट एट लास्ट वो पूरा भय भी बदल जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि SRK शायद विलन हो सकते हैं, और फिर प्रीव्यू खत्म हो जाता है। चलो इसके बाद बात करते हैं कि मूवी का बजट क्या है और कब रिलीज होगा। इस फिल्म को एटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं और म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं अनिरुद्धा रविंद्र चंद्र एंड SRK खुद और उनकी वाइफ गौरी खान। कुछ ट्विटर पेज से पता चला है कि मूवी का बजट 220 करोड़ है। फिल्म की शूटिंग सितंबर 2021 में स्टार्ट हुई और फरवरी 2023 में पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में शूटिंग के बाद समाप्त हुई है। ये बॉलीवुड की तरफ से रिलीज होने वाली पहली पैन इंडिया फिल्म होगी। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यशराज फिल्म्स, जो 7 सितंबर को आएगी। क्या तुम एक्साइटेड हो? इसके लिए कमेंट में बताओ। यदि कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।